टेणी हुई संस्कारी सत्यनारायण पूजा की तैयारी सौतन का मिला साथ। अरे कोई तो सुनो टेणी की बात। घर में सत्यनारायण जी की कथा शुरू होने जा रही है तो सब लोग करना सरना लड़ना झगड़ना छोड़ो और नीचे आके पूजा में बैठ जाओ, क्योंकि लड़ने झगड़ने कुटने सड़ने के लिए बहुत टाइम बचा है। मेरे से बाद में अपनी दुश्मनी निकालना, भगवान से किस बात की दुश्मनी। माइक लेकर ये मैडम क्रिकेट कमेंट्री नहीं कर रही। टेणी तो आज अपने अतरंगी अंदाज में रूठे हुए घर वालों को अपनी सत्यनारायण की पूजा में शामिल होने के लिए आवाज लगा रही हैं। तो ये पूजा हमने अपने लिए नहीं बल्कि टुन्नू की सेहत के लिए रखी है, ताकि उसको भगवान जी का आशीर्वाद मिले। और अगर कोई इस पूजा में नहीं आया, जिस वजह से भगवान जी नाराज हो गए और कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया, तो कोई मेरे को दोष नहीं देगा। भाई जैसा कि सबको पता है कि टेणी पार्थ के बच्चे की सरोगेट मदर बनने जा रही हैं, और इसीलिए अपनी कोख में पल रहे बच्चे की सलामती के लिए टेणी ने आज घर में रखी है सत्यनारायण की पूजा। और इस पूजा में टेणी के साथ देने के लिए पार्थ और शौर्वरी तो हैं ही, लेकिन घर का कोई और सदस्य इस पूजा में शामिल नहीं होना चाहता। बस टेणी को ये बात अच्छी नहीं लगी और जरा देखिए कैसे माइक उठाकर घर वालों को चेतावनी दे दी पूजा में शामिल होने की। भाई टेणी तो ऐसी ही हैं, जो मन में आता है वही करती हैं। अब किसी को इस बात से फर्क पड़े या फिर ना पड़े, टेणी का टशन तो जारी ही रहता है। फिलहाल पार्थ और शर्वरी टेणी को अब पूरा साथ दे रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द घर के आंगन में किलकारियां गूंजेंगी। तब तक टेणी का यह तमाशा यूं ही जारी रहेगा। आज तक ब्यूरो।